रहमान रहीम जी सलाम अलैकुम। उम्मीद करते हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है। तो चले जी आज का व्लॉग करते शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमें देखते हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें और इसी तरह हमें सपोर्ट किया करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपकी रिजिक रोजी में भी बरकत डाले, अल्लाह पाक आपको और आपके बच्चों को सलामत रखे, आमीन सुमामीन, और आपकी बहन भाइयों को भी आपको आपके साथ सलामत रखे। तो जी हम बना रहे थे, जैसा कि हमने आपको पहले वाली वीडियो में बताया कि सेमी और आलू, तो हमारे आलू अभी आध में रह गए हैं, वो इसलिए कि हमारा जीरा गुम हो गया है तो जीरा नहीं मिल रहा। तो अदरीस साहब कह रहे कि मैं जीरे के बगैर नहीं खाऊंगा, तो इसलिए फिर मैंने अपने भाई से कहा है कि आप लेके आएं, वो भी गए हैं लेने के लिए, तो वो जैसे लेके आएंगे फिर हम बनाएंगे इंशाल्लाह अपने बहन भाई के साथ शेयर करते रहेंगे। तो यहाँ पे आया हुआ जी मेरी कज़न का बेटा, सलाम करो, सलाम अलैकुम, सलाम कर दो। चलें जी अभी हम डाल दें जी जीरा इसके अंदर जी, तो आपको जीरा थोड़ा सा कम डालना, ये डाल दो सारे। नहीं डाल इतना नहीं है यार, ये देखिए। तो अभी हम इसको भूनते हैं, भून के फिर इसके अंदर हम अभी डाल देंगे पानी, तो इंशाल्लाह पानी जैसे उबाल होगा फिर हम डालेंगे इसके अंदर सेमी है, तो वो भी खोलनी है, ये छोटा गिलास है ये तो। चले जी अभी हम इसके अंदर डालने लगे और गिलास पानी का, ये हो गया जी दो गिलास, बस आधा गिलास और डाल दो या रहने दो, बस थोड़ा सा डाल दो काफी। हाँ बस ये मैं बना रही हूँ, ये बस ये मेरे साथ है और ये कुछ नहीं कर रहे बस। अब इसके ऊपर आप ये दे दो, हाँ ढक्कन। चलिए जी अभी जितनी देर में ये बॉयल होता है पानी फिर हम सेमियाँ डालेंगे, तो अभी जितनी देर में हम और सब्जी वगैरह बना लेते हैं सालन अबू वालों के लिए। तो ये लेके आए हैं अभी, ये हम ये आलू गोभी का सालन भी बना रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी अपने बहन भाई के साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी जैसे पानी बॉयल होगा हम आपको वो भी दिखाएंगे, इसके अंदर सेमियाँ फिर और क्या करना है फिर वो बात है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह से जी अभी हम इसके अंदर डालने लगे हैं जी सेमियाँ, तो उसको हमने तोड़नी नहीं है, तो हमने साबित ही डालनी है, तोड़नी पड़ेगी। नहीं नहीं क्यों इस तरह से नहीं, ये ना थोड़ा से नीचे हो जाएगी ना, नरम हो जाएगी फिर हम वो करेंगे इसके अंदर चम्मच के साथ में, ये खुद ही सेट हो जाएंगे। तो ना अभी ये कह रहा था कि मैंने इसको सिखाया है, तो और क्या अगर मैंने सिखाया होता उन हमारे जितने भी बहन भाई में देखते हैं सही बात उनको पता लग गया होगा कि आपने अगर अधरी साहब सिखाया होता तो सिमरन ऐसे क्यों बोलती कि तोड़ते नहीं है। हाँ तो यार उसमें पूरी नहीं आएगी, ये देखो ये नीचे ओवर हो गया, ढक्कन नहीं आता। नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा तोड़ के इसको फिर फेंकते हैं, आपको पता है साइडों से थोड़ा सा तोड़ लेना चाहिए, इस तरह से नहीं है। हाँ ये देखो तोड़ रही हो ना, तंग हो रही हो ना, ये हो जाएंगी आपको ऐसे लग रही है। अच्छा ये देखो यहाँ से तोड़नी पड़ेगी आपको, मैं ना आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी इसका रिजल्ट। अच्छा चलो वो फेंक दो फिर, कुछ पक जाएंगी कुछ कच्ची रहेंगी, ये भी बताना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ ये देखो, हाँ ये ना असल में ये तो अभी थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई जिसमें हमने वो बनाते हैं ना देखा था, वो दूसरी वाली हमारी जो कढ़ाई है वो बड़ी थी। हाँ अच्छा आप इसको थोड़ी थोड़ी तोड़ के ना इसके अंदर ऐड कर दो यार, मान लो किसी की बात, यहाँ से एक मिनट इसकी। हाँ ये चीज़ ये देखो तोड़नी पड़ रही है ना, अपना नंबर ना बनाया करो। अच्छा चलो ठीक है नहीं बनाता, बस ये देख जैसे ये देख तो बोल रहे हैं कि सिमरन को सिमरन नहीं बनाया सर कुछ सिमरन। अब इसको ऊपर चम्मच से थोड़ा थोड़ा दबा दो ऐसे। यार तोड़नी नहीं है ना, मैं साबित वाले जैसे नूडल बनाते हैं ना मैं वो वाले बना। अच्छा चलो ठीक है वो बना बस। हाँ। अच्छी चलो अच्छी नहीं बनेगी तो फिर भी तो खानी तो पड़ेगी ना, हल्की आंच पे। चलें जी माशाल्लाह से हमारी सेमियां इसमें ऐड हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे हाँ जी इसका रिजल्ट, तो आपने इसी तरह हमारी वीडियो के साथ रहना है। अभी हम इसका ढक्कन उठा के देखते हैं, हाँ जी ये देखें अभी ना इनको हम ये जो ऊपर वाले है इसको नीचे लेके जाते हैं और नीचे वाले हम लेके आते हैं ऊपर, तो देखें अभी लग तो रहा है कि अच्छी बनेगी उम्मीद है, पर अब ये खाने वाले ही बताएंगे कि कैसी बनी है। तो मैंने इसको ना हल्की आंच पे रखा हुआ है, हल्की आंच पे ये देखें, मैं ना आप मानेंगे नहीं मेरा ना मुँह से अभी तक भी पानी आ रहा है, अच्छी बनी है माशाल्लाह से। तो
चलें अभी थोड़ी सी रहती है, जब ये मुकम्मल तैयार हो जाएगी फिर इंशाल्लाह अपने बहन भाइयों को दिखाएंगे तो शेयर भी करेंगे। असल में ना ये कढ़ाई बहुत छोटी थी तो इसी वजह से ना ये इस तरह से हो गई है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सेवियाँ जो सी है तैयार हो गई हैं। ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह, इसकी लुक चेक करें आप, मुझे तो अच्छी लग रही है। अभी खाने वाले बताएंगे कि कैसे बनी है, तो अभी हम देते हैं जी सबको, फिर इंशाल्लाह उनसे पूछेंगे, अपने बहन भाई को भी दिखाएंगे तो आपको भी हम बताएंगे, और अदरीस जैसे मेरे अबू वाले खाएंगे उनसे पूछेंगे कि कैसे बनी है, और आप सब ने भी ज़रूर कमेंट में बताना है इसकी लुक देख के कि वो कैसे बनी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अदरीस को डाल के दे दिए हैं अभी, तो बताएं चला यार बहुत जबरदस्त बनी हुई है, अच्छी बनी है, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। सही प्यारी अच्छी बनी है, आपकी तरह ना प्यारी लग रही है। चले माशाल्लाह लग रही है, चले चले माशाल्लाह, खाली खाली अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे इन्होंने प्याज और प्याज ब्राउन हो गए हैं ऐसे ना सुमरीन, सब्ज मिर्चें भी डाल दी हैं। उसके बाद ये हमारी देचकी जो है कर रही है, क्या कर रही हो? गोभी काट। वाह बड़ा ब्यूटीफुल यार। और यहाँ पे धनिया काट के रखा हुआ है इन्होंने, हाँ यहाँ पे ये समरीन ने जो है ना माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रही है आज, हैं। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह से हम अबू के घर से होके आ गए हैं, तो यहाँ पे रस्ते में है एक मेरी छोटी सिस्टर का घर जो हमसे छोटी है, तो मैंने दरीज से कहा कि चलो जाते जाते उनसे भी मिलते जाए, तो अभी हम उसके घर आए हैं, तो वो वीडियो में नहीं आती तो हम उसकी वीडियो भी नहीं बना सकते, नहीं तो आपकी मुलाकात करवाते और आपको इनका घर हम पहले भी आपने हमारी पहले वाली वीडियो में देखा होगा जी, तो बिल्कुल हाँ, अभी फिर हम दोबारा सुन के घर में आए हैं तो आपको मिलवाते हैं हम अपने अपने बहनोई से जी, तो उनसे भी मिलवाते हैं इंशाल्लाह, और ग्रीस से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं जी। चलें चलें जी, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पे बना रहे हैं जी ये दाल, ये देखिए ये दाल पड़ी हुई है, तो इनका आपको हम दिखाते हैं जी किचन, तो जितनी देर में ये बनती है। ये देखिए ये इनका किचन है, बर्तन वगैरह का सिस्टम यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, तो अभी चल के हम आपको बाहर का भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी ये देखिए ये है किचन, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जी गराज, इसको ये गैरली भी बोलते हैं और गराज भी बोलते हैं। यहाँ पर ये कपड़े धोने वाले का सिस्टम किया हुआ है, तो ये यहाँ पर कपड़े वगैरह धोते हैं। ये देखें तो आगे भी आपको चढ़ के दिखाते हैं जी वो क्या कहते हैं अपना बैकिट, जहाँ पे ये गेस्ट वगैरह बैठते हैं, ये भी किस्म का गराज बना हुआ है मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए। ये है जी कमरा जहाँ पे गेस्ट वगैरह आते हैं, मेहमान वगैरह ये यहाँ पे बिठाते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं जाते वैसे ही थोड़ी सी वीडियो भी बना लें। माशाल्लाह से इनका घर बहुत ही अच्छा है, ये देखें, तो मेरी सिस्टर जो उनसे है वो वीडियो में नहीं आती, तो इंशाल्लाह जल्द आपकी उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं जी अंदर, देखते हैं दरीस को, क्योंकि ना दरीस उधर बैठा हुआ रूम में, तो एक रूम ये है इनका, ये देखें ये भी इनका रूम है माशाल्लाह से। चलें जी अभी हम चलते हैं बाहर, और बाहर भी आपको दिखाते हैं जी। अभी मैं आपका वो आपको दिखाती हूँ अपने बहनोई, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो यहाँ पे अनाया खा रही है जी चिकन, क्या खा रही हो? हैं चिकन खा रही तो कर दो। हाँ जी ठीक है, तो यहाँ पे बैठे हैं जी अदरीस साहब। चले जी अभी हम आपकी अदरीस से भी मुलाकात करवाते हैं, और अदरीस भी यहाँ पे बैठे हैं मेरे बहनोई के साथ। चले जी सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हाँ जी, तो आपको पता है कि फुदकी की वजह से हम बहुत अपना मसरूफ थे, तो मेहमान वगैरह मेहमान वगैरह भी आते रहे अफसोस के लिए, तो इसीलिए ना हम कहीं पर जा नहीं सके, तो जो है ना वीडियो में भी कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं था। हाँ हमें ना इतनी अच्छी नहीं बनाते, बस वो तो दवाई लेने के लिए गए थे कल, तो हाँ इसलिए हमने वो बकरे वगैरह की उठिंग की भी बना ली थी। हाँ वरना हम वीडियो नहीं बना रहे आजकल, क्योंकि आपको पता है कि परेशानी जिस घर में हो ना, तो सुमरीन की भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब रह जाती है। सुबह में फिर दोबारा लेके आई थी दवाई, बिल्कुल दोबारा दवाई लेके आई थी, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपका तारफ करवाती हूँ जी अपने बहनी से। चले सलाम कर दें अभी। हाँ जी, तो बताएं ना आगे भी पूछे क्या हाल चाल है, आप ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक हैं। आप तो ठीक होंगे उम्मीद करते हैं। हाँ जी, और हम मसरूफ थे फौजकी में। हाँ जी बिल्कुल, मेहमान के साथ जैसे आपने
सुना होगा कि फौती होगी। हाँ जी मेरी बस अल्लाह पाक उसको, हमारी बहन थी जी बिल्कुल, बस उसमें मेहमानों में मसरूफ थे, वीडियो बनाने में थे, बस आज वैसे आज बैठे थे। हाँ जी ये मेहमान आए हैं हमारे घर। हाँ जी अफसोस के लिए, अफसोस के लिए आए थे तो वीडियो बना ली जी, इसमें आप लोगों को भी पता लग जाएगा जी मेहमान आए थे अफसोस के लिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जी मेरे ये बहनों, ये इनको अभी इतना बोलना नहीं आता, इन्होंने भी चैनल भी बनाना है, इन्होंने भी बिना वो बनाना है चैनल जी बिल्कुल। तो हमने इनको भी कहा कि आप बनाया करें। हाँ जी तो जहरी सी बात है, अभी नहीं है हमारे घर ये मसला हुआ है, आपको तो पता है कि सर जिंदगी का सदमा भूल तो नहीं सकते। हाँ। तो इसलिए ना हम वीडियो इतनी दिलचस्पी से नहीं बनाते, नहीं दिल से बनाते हैं, आपको तो पता है। अगर ये तो यही हमारा सहारा है, आप बहन भाई की वजह से हमें इतनी सपोर्ट मिलती है, हमारा इतना वो, आप जितने हमें सपोर्ट करते हैं, हमें देखते हैं आप, हम अपनी बहन भाई की वजह से आगे इतने पहुँचे हैं और हमारी मेहनत जो उनसे है वो रंग ला रही है। तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमें देखते हैं और हम लाइक सब्सक्राइब भी करते हैं, आपकी मेहरबानी। लापाक आपको खुश रखे, तंदुरुस्ती दे। तो अभी अदरी साहब ना थोड़े से परेशान रह जाते हैं क्योंकि मेरे अब्बू वाले परेशान होते हैं ना, क्योंकि जब फौत की आपको पता है होती है तो इंसान के दिल में बहुत बातें आती हैं। मुझे बिल्कुल, ना बिल्कुल कुछ ऐसी बातें उसकी याद आती है कि ईद के दूसरे दिन अभी हमारे घर आई थी लेकिन हम उनसे मिल नहीं सके। एक दफ़ा पहले मैं उधर गया था तो वो अभी कह रही थी कि मैंने अदरीस को मिलना है। हाँ जी मिलने के लिए आई थी लेकिन उस दिन मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, पता नहीं ना जाने हमें इस बात का इतना पछतावा होता है। सही बात है बिल्कुल, लेकिन बस अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए। तो मैंने ना एक्चुअली फौतकी में मसरूफ था ना, इसीलिए मैंने वहाँ पे ना जो वीडियो वगैरह नहीं बनाई। हाँ जी हमारी अम्मी जान ने कहा था कि आपने वीडियो बनानी है लेकिन हमने नहीं बनाई, क्योंकि आपको पता है कि मैंने कहा लोग ये ना सोचेंगे कि देखो घर की फौत की है और ये फिर भी वीडियो बना रहे हैं, बहुत शर्मशारी महसूस होती है ना इसी वजह से। तो इंशाल्लाह बस अब सबने दुआ करनी है, हम भी दुआ करते हैं जी बिल्कुल। तो और आज समरीन को एक गिफ्ट मिला है, कैटो इधर है कैटो, ये है जी, ये इन्होंने घर में ना पाली हुई है जी। छोटी सी थी जब हम पहली बार आए थे ना, तो ना इन्हें इसको देख के चीख मारी, आज हमने लेनी है, ये लेके जानी है घर जी, छोटी सी है। ना करे सर की बहन है ना, या आपकी बहन है, लेके चले, छोड़ दे इसको, छोड़ दे, क्या करती है, छोड़ो ये भाग जाएगी बाहर। अभी ये नाया को इसने नाखून मारा है पता, आपको दिखाओ वो देखो, आगे आके दिखाओ ना मम्मा को, फिर इसको नहीं लेके जाते, नहीं लेके जाते। हाँ मारती है, गंदी बच्ची है। हाँ। तो ये मेरी सिस्टर के साथ बस ये जिनसे कैटो रह जाती है तो इसके साथ ये खेलती रहती है। तो चले जी अभी हम चलते हैं किचन में, देखते हैं कि हमारी दाल जिनसे वो कहाँ तक पहुँची है, वो भी आपको दिखाते। अभी जी कुकर प्रेशर अभी दिया हुआ है, जब हम खोलेंगे फिर आपको दिखाएंगे। अभी तो फिलहाल कुकर प्रेशर आया हुआ है, इसको नया पानी पी रही है, अभी बर्तन धुले नहीं है, धुलेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि हमारा घर कैसा है। चलो आप देख सकते हैं, प्रेशर कुकर खो दिया है, देख सकते हैं अब यहाँ से मुर्गी बाहर आएगी, डरना नहीं बिल्कुल नहीं डरना बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं डरना गाई, ठीक है। ये देखो कुकर प्रेशर आपको नजर आ रहा होगा, ये खुल चुका है। अब कैमरा सामने नहीं कर सकती, आप लोगों का मुंह जलेगा और हमारा मोबाइल जल जाएगा, ठीक है। वहाँ से टूटा हुआ है जिसको मैं आपको नहीं दिखा सकती, यहाँ से काला है वो भी नहीं दिखा सकती, आप देख सकते हैं ऊपर से। अब इसका मुंह खुलेगा फिर हम आपको दिखाएंगे, वो कह रहे थे इसको होने दो नहीं तो मेरे मुंह पे हो जाएगा, ठीक है दोस्त है ना। देखिए जी अभी दाल तैयार हो गई है, ठीक है अब खाने के लिए आप लोग आ जाना, कोई मसला भी नहीं है, आप लोग खा सकते हैं, हम भी खा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दाल बन रही है,
बन गए, मतलब कि देख ले बन गए, ऊपर दिखाना जरा चम्मच को, ऊपर करना गाइस ऊपर नीचे करो दाल को पागल वो देखो ये चम्मच नहीं दे रही, देखो ये भी गिराने लगी है, गिराने नहीं है बहुत उतली है अभी, हल्की हल्की आँच देखिए, अभी दाल बनेगी ठीक है। देखिए थोड़ा सा बीच में पानी है, अभी तक जी हमारा किचन साफ नहीं हुआ ठीक है। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह से हम अभी आ चुके हैं वापस घर, बहुत थके टूटे हुए हैं हम, बहुत परेशान थे। नया आते ही अपनी चीज़ों को देखना शुरू कर दिया नया ने। नया क्या लेके आई हो, मेहंदी है, किसने दी है, कहाँ से, खाला ने दी है। अच्छा यार आजकल आपने ना अपने बहन भाइयों के लिए दुआ नहीं की, करते हैं ना, ये देखो फिर अच्छे बच्चे जो होते हैं फिर वो तो दुआ करते हैं। ये देखें जी इसने बहुत सारी मेहंदियाँ इकट्ठी की हुई हैं, इसकी खाला का है ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर है मेरा, आपका है। अच्छा अब बड़े हो के क्या करोगे, मेहंदी लगाओगे, मेहंदी लगाओगे, ये कितना फाटा देगी, अच्छा एक फाटा देगी, एक आयशा करेगी, फिर शायद मैं रखूंगी और सारे तुम रख लोगे। अच्छा ये तो सही है। अच्छा बड़े हो के पढ़ लिख के क्या बनोगे, डॉक्टर, डॉक्टर बनना है, मेरे बेटे को शौक है डॉक्टर बनने का। अच्छा वाह भी वाह, फिर बाबा को भी दवाई दिया करोगी, मम्मा को भी टीका भी लगाओगी, हैं टीका नहीं लगाओगी, मम्मा को डर लगता है टीका लगाने से। अच्छा ये देखो बेटा इसको ना ये बंद है ना, इनको खोलना नहीं है क्योंकि ये अगर खोलोगी ना चादरों के ऊपर ये दाग बन जाएंगे ठीक है, इसको खेलना है लेकिन रख देनी है ठीक है, इसको जाया नहीं करना, इसको वो नहीं करना, जिसने जादिया कर, हाँ जिसने जादी, जिसने जादी वो तो 14 अगस्त को होती है जिसने आजादी, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था। अच्छा हाँ ये जश्न आजादी पे नहीं लगाते, ईद पे लगाते हैं। अच्छा ईद पे हो गई थी, ईद तो हो गई थी आपको पता तो है, ये देखो ये ईद पे ही उन्होंने लगाई थी सारी मेहंदी। चलें जी इधर बेगम साहिबा जो है बहुत मसरूफ नजर आ रही हैं आज, आजकल मुझे लगता है कि यहाँ पे क्या खुल रहा है ना, मेरा बहुत दिल चाह रहा था क्या अनीस के हैदरी से है ना, मैंने सुबह कहा था आप मुझे वो लेके दें क्या कहते हैं निहारी और नान, सुबह सुबह उठ के मेरा बहुत ही दिल चाह रहा था, तो ये ज्यादातर होती है शाम के टाइम, सुबह सुबह ये नहीं होती, तो ये गए थे पता करने के लिए अदरीस को नहीं मिली थी, तो इस अभी हम अपनी सिस्टर के घर आते हुए ना फिर से मैंने कहा कि आप मुझे आज लेके दें। हाँ जी ये तो देखें बहुत ज्यादा नान भी ले ली है, बहुत ज्यादा नहीं चार, चार है अच्छा, ऐसे लग गए ऐसे रही है, ये देखो ना इसको ऐसे चेंज करके देखो, एक दो तीन चार, अच्छा लग गया सर जैसे बहुत ज्यादा। हाँ तो ड्रेस ने ना फिर मुझे ये लेके दी जी, जी जी आपकी है ये निहारी, तो मैंने फिर खुश होगी जाहिर सी बात है, सही बात है। बस यार आपकी तबीयत सही नहीं रहती ना, मैंने इसीलिए मैंने कहा कि यार मेरी तबीयत प्यारे बहन भैया सेट नहीं हो रही, इसलिए हम बहुत ज्यादा परेशान है, तो आज भी हम गए हुए थे इसकी दवाई लेने के लिए। ये देखें जी मैं आपको दिखाना भूल गए थे क्योंकि बस इसकी तबीयत की वजह से ना मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ जी, हम दुआ करते हैं हम सब ने भी दुआ करनी है, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक हमें भी दे जी बिल्कुल। यहाँ पे ये निहारी जो है इसने प्लेट में डालना शुरू कर दिया माशाल्लाह, यार इसमें तो बूटियां भी हैं यार, अनाया सुन के आ जाए, वाह अनाया माशाल्लाह से शौक से खाती है। हाँ जी ये जी हमारा खाना और ये है समरीन की
medicine. This is on. तो ये मेडिसिन जी आज हम गए हुए थे डॉक्टर के पास, तो ये हमारे करीबी हैं माशाल्लाह, डॉक्टर भी अच्छे हैं, तो ये दवाई भी अच्छी देती हैं, अच्छी दवाई देती हैं मरिया मेडिकेयर डॉक्टर सिद्रा इमरान। आज 22/3/4/2024 है, तो ये जिसमदीन की जो है ना जी, ये इसकी मेडिसिन है सारी, ये इसकी मेडिसिन आज हमने ली हैं, कुछ रह गई हैं, तो मैंने इसे कहा है, मैंने कहा इंशाल्लाह जैसे ही कुछ आप ये अभी इस्तेमाल करो, क्योंकि ये एक एक मंथ की लिखी हुई है ना, तो हमने ली हैं थोड़ी तकरीबन 10-10 दिन की, मैंने कहा ये आप इस्तेमाल कर लो, उसके बाद जो है ना हम कोशिश करेंगे कि और ले लें। तो ये जी आज दूध भी लेके आए थे, मैंने इससे कहा कि अब दूध भी थोड़ा ज़्यादा ले जी, क्योंकि इसको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उन्होंने कहा है कि आप जो है ना दूध का इस्तेमाल करें, इसका मसला बहुत ज़्यादा है, तो कमज़ोरी बहुत हो गई है ना। हाँ जी, वो ना अपना ऑन कैमरा बता भी नहीं सकते हम, बस कोई बात नहीं अल्लाह है। हाँ जी, बस इसके लिए ना खसूसन दुआ करें ताकि इसकी ना तबीयत ठीक हो जाए, पहले भी आपको पता है कि एक सदमा भी हमने बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऊपर से और मसले बन रहे हैं, हमें कुछ खुद कुछ समझ नहीं आ रही ना, हमारे पास इतना सोचने का टाइम है ना, नहाने का ना, बनाते हैं तो सही बात है, करता फिर भी बना लेते हैं कि बस अब क्या करें, रोजी रोटी करनी होती है जी, बिल्कुल नदरीस भाई मेहनत करते, मैं घर पर करती हूँ जी बिल्कुल, और यहाँ पे नया जो है जी, अगर मैंने सो गई है, इसके अंदर रोटी वो कर ली है यार, वो आपकी ना वो नीचे गिर गई है, उठा देंगे बाद में, ये देखिए, तो ये रायता मैंने दोपहर को बनाया था जी, ये माशाल्लाह से फुल थी, मैं इस रात पी गई हूँ इससे, तो अभी ये भी बच्चा हुआ है, अभी हम खाना स्टार्ट करते हैं, अगर किसी भी बहन भाई ने खाने तो हमारे साथ आ सकते हैं, तो चले जी फिर, तब तक के लिए हमें दे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखेगा अपने ख्याल, खुश बाद अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, फिर से बोलो अल्लाह हाफिज, आप हमें तंग करते हो ना, अल्लाह हाफिज, चलिए अल्लाह हाफिज।